हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी की ज्ञानशाला में। दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ क्योंकि आज मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जो आपको विप्रो और कैपजेमिनी में कैसे प्लेस हो उसके बारे में बता सकता है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करके मैं आपको उनके बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वो JSS नोएडा कॉलेज से पास आउट हैं और उनके बीटेक में 70% हैं और वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में जॉब ले चुके हैं जिसमें एक यूनिफाई क्लाउड भी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने दो कंपनी में प्लेसमेंट लिया है जो कि विप्रो और कैपजेमिनी है। तो दोस्तों मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और मैं आपको बता देता हूँ कि उनका नाम अलंकृत कुमार है और फिर अब आपको वो बताएंगे कि ऐसी कंपनियों में प्लेसमेंट लेने के लिए क्या करना चाहिए और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और चीज़ों को मतलब कैसे टैकल करना चाहिए, ये सब की आपको जानकारी देंगे अलंकृत कुमार। तो अलंकृत मैं आपको बुलाना चाहूँगा, प्लीज यहाँ पे आइए। तो ये हैं अलंकृत कुमार। तो अलंकृत आप बताइए कि थोड़ा ब्रीफ में बताइए आप कि आपने बीटेक कहाँ से किया, किस ब्रांच में किया और सबसे पहले आपके जो कॉलेज का प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है वो कब शुरू हुआ और आपने तैयारी कैसे की, सब कुछ बताइए मतलब ब्रीफ में। मैंने अपनी बीटेक जो है वो JSS कॉलेज से की है जो कि UPTU का पार्ट है और मेरी IT ब्रांच थी और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर ख़त्म होने तक जो मेरी एग्रीगेट बनी है वो 70.6 है। और इसके अलावा जो प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का शुरू हुआ था वो अगस्त से था, अगस्त से अप्रैल तक का था जितनी कंपनीज आई हैं। तो मेरी जो पहली जो जॉब लगी थी वो यूनिफाई क्लाउड में लगी थी, अगस्त से शुरू हुआ था। यूनिफाई क्लाउड जो आई थी वो अक्टूबर में आई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगस्त से अक्टूबर तक मैं किसी कंपनी में प्लेस नहीं हुआ था। करीब बहुत कंपनीज आई थी अच्छी खासी, लाइक 15-16 कंपनी आई थी उतने टाइम पीरियड पे। तो हर बारी वो होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपको आप जितना भी पढ़ लो बट एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप जितना भी पढ़ लो वो एक चीज़ लैक कर जाती है हर जगह जहाँ पे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। तो सेम होता है इंटरव्यू के केस में भी, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू से 5 मिनट पहले और इंटरव्यू के पूरे टाइम पे आपका नर्वसनेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है या जो भी कर रहा है आप उसको अपने तरीके से या आपको जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से आप उनको समझा नहीं पाते हो। तो जिसकी वजह से इंटरव्यूअर को ये लगता है कि ये अभी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है या फिर इसको अभी आता नहीं है, तो वो जो जिस भी चीज़ों पर जज करते हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर कर जाती हैं वहाँ पर इंटरव्यू पर। तो मैंने 2 महीने ये चीज़ थोड़ा अपने अंदर रखा कि नर्वस नहीं होना है, इन सब चीज़ों पे वर्कआउट किया। प्लस जैसे अब इंटरव्यू देने जब भी जाता हूँ तो फिर अब मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें हो जाएगा और फिर मतलब बेसिकली आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, तो ऐसे करके फिर मैंने पहला यूनिफाई क्लाउड निकाला जो कि एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो आपने यूनिफाई क्लाउड के बारे में बताया। अब आप ये बताइए कि कैपजेमिनी और विप्रो इन दोनों के प्लेसमेंट सिनेरियो कैसे थे और दोनों में क्या अंतर था, मतलब कुछ अंतर हो तो आप बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी MNCs होती हैं जो मास रिक्रूटर हैं जैसे TCS हो गई, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये सब जितनी भी हैं इन सबका जो प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो सबका सेम होता है कि पहला वो आपका लेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा होगा कोडिंग, कुछ में पहला और दूसरा ये दोनों राउंड मिक्स होते हैं, फिर तीसरा टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर HR होता है। तो जो पहला जैसे एप्टीट्यूड होता है तो एप्टीट्यूड में आपके एप्टीट्यूड आते हैं, क्वांट आता है, लॉजिकल आती है और वर्बल आती है। ठीक है, और इसके अलावा फिर जब कोडिंग सेक्शन आता है तो कोडिंग में आपको चॉइस दे दी जाती है कि जैसे जावा, C++ या पाइथन, इनमें से आप किसी में भी कोड कर सकते हैं। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो मतलब कि होता है, ठीक होता है कि आपको मतलब कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे जो प्रोग्राम होते हैं वो ये सब होते हैं, फैक्टोरियल हो गया, पैलिंड्रोम निकालना, या फिर स्ट्रिंग में हो गया कि वॉवल्स हटाओ, नॉन वॉवल बताओ क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके कोडिंग। अच्छा, तो आप विप्रो में प्लेस हुए, आप कैपजेमिनी में प्लेस हुए,
आपको मतलब सबसे आसान दोनों में कौन सा लगा? हाँ, दोनों बराबर ही थे। मतलब कि जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए, एक में एसक्यूएल ज़्यादा पूछी गई, किसी में जावा पूछी गई, और जो कुछ चीज़ होती हैं जो हर जगह पूछी जाएंगी आप किसी भी कंपनी में बैठो, वो ये कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था और आपने इंटर्नशिप कहाँ से की, इंटर्नशिप का क्या प्रोजेक्ट था। तो वो बेसिकली बस ये देखते हैं कि आपने, जैसे इंटर्नशिप लोगों की नॉर्मली 2 महीने 3 महीने की होती है, तो आपने 3 महीने में क्या काम किया और क्या काम आपने सीखा है। अगर आपने काम जेन्युइनली किया होगा तो आप किसी को भी वो समझा सकते हो। तो इंटरव्यूअर वो 10 मिनट या 5 मिनट में वो समझ जाता है कि आपने काम किया है कि आप बस ऐसे ही बोलते जा रहे हो। अच्छा ठीक है। तो अंकित अलंकृत, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप कैप जेमिनी और विप्रो में जा रहे थे, तो एक रात पहले क्या फीलिंग थी? मतलब नर्वस थे कि आपको लग रहा था कि नहीं हो ही जाएगा, या आप बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि नहीं मैं, मुझे तो जल्दी से आ जाए वो दिन और मैं उसको टैकल कर पाऊँ उस दिन को? मतलब कि अभी मैंने जैसे बताया कि जब मैंने यूनिफाई क्लाउड जो का था प्लेस, इसका इंटरव्यू वाला सेशन, तो जब तक यूनिफाई क्लाउड नहीं आई थी कैंपस में, उससे पहले मैं हर इंटरव्यू से पहले थोड़ा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था और हर बारी मुझे थोड़ा डर लगा रहता था। बट जब एक एक चीज़ होती है कि आपके पास जब एक जॉब आ जाती है तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होती है, भले आपको आता हो या ना आता हो। तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप इंटरव्यू सेशन जाने से पहले थोड़ा रिलैक्स फील करो और ज़्यादा सोचो मत उस बारे में, क्योंकि जो भी होगा वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। मान लो आपने एक टॉपिक का सब कुछ पढ़ लिया और आपने एक सेक्शन छोड़ दिया, अब आपके वो चांस के ऊपर है कि क्या पता इंटरव्यूअर आपसे वही पूछ ले। हाँ सही वही बात एक है सेक्शन पूछ ले जो आपको नहीं आता है, तो वो सही उस पर जज कर लेगा कि आपको बात कुछ नहीं आता है। जी। तो आप नर्वस फील करो या ना करो, उस पे कुछ जाएगा नहीं, आप ही का घाटा है। कि अगर आप नर्वस फील करोगे तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे आ जाता है, तो वो इंटरव्यूअर वो समझ निगेटिव जाता है। निगेटिव हो हाँ, जाता है। तो फिर ज़्यादा बेटर चांस यही है कि आप अपना बेस्ट दो, बाकी तो फिर वो इंटरव्यूअर ही डिसाइड करेगा कि इसको लेना है कि नहीं। ठीक है अलंकृत, आपने इतना कुछ बताया हमारे साथ, आई होप हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। एंड आई होप अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, और अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करिएगा, मैं इनके थ्रू जरूर आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अलंकृत को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2 कंपनी में थैंक प्लेस हुए, इवन आप 3 कंपनी में प्लेस हुए, इवन आप स्टार्टअप भी मैं जोड़ लूँ तो मैं बता नहीं सकता कितनी कंपनी में प्लेस हुए। तो आप लोग बड़े लकी हैं कि आप ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए गुड नाइट।